दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। यदि आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कम से कम एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें और खासकर जो समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक वर्ड में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की मूवेबिलिटी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। किसको बताता है? मूवेबिलिटी को। जिसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मशीन का पार्ट्स है, वह अपनी पोजीशन से या अपनी स्थिति से अलग अलग डायरेक्शन में कितने तरीके से अपनी पोजीशन परिवर्तन कर सकता है या फिर मूव कर सकता है या फिर मोशन कर सकता है, वह उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। समझ में आ गया होगा, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन का पार्ट्स वह अपनी पोजीशन से अलग अलग डायरेक्शन में कितने तरीके से अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर सकता है, वह क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हम एग्जाम्पल लें, वह एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2D और 3D का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां हम लिख देते हैं कि कोई 2D बॉडी है, कोई 2D क्या है? बॉडी है। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं यहां पर कोई 2D बॉडी है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बना लेते हैं, ऐसी आपको एक बॉडी बना देने। 2D बॉडी का मतलब होता है कोई दो, जिसके क्या है, दो डायमेंशन है। हमने मान लिया एक एक्स हो गया, एक्स डायरेक्शन में, एक क्या है, वाई है। अब ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक तो क्या होता है, हमारे एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, और क्या सकता है, अपनी स्थिति पे क्या है, रोटेट कर सकता है। तो जो हमारा एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ये अगर मूव करेगा तो उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसी वाई डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। लेकिन जब अपनी स्थिति पे रोटेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल। तो हमारे अगर हम काउंट करेंगे कि ये अपनी स्थिति को किस किस डायरेक्शन में कैसे परिवर्तन कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता, जा सकता तो 1 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई डायरेक्शन में जा सकता तो 2 हो गया, और अपनी स्थिति पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता तो कितना होगा, 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं 2D बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आ गया। यदि हमारे पास कोई 3D बॉडी है, क्या है, 3D बॉडी है, 3D बॉडी का मतलब हुआ है किस किस में रखी है, स्पेस में रखी हुई है, जहां पर वह चारों तरफ मूव कर सकती है। जिसमें यहां पर बना देता हूं, स्पेस में रखी हुई है मतलब हमारी क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्स हो गया, ये हो गई वाई डायरेक्शन, ये हो गई वाई थर्ड डायरेक्शन जेड। यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है, आप 3D बॉडी भी बना के समझा सकते हैं और ऐसा भी बना के समझा सकते हैं। इस बॉडी के कितने ट्रांसलेशन और कितने रोटेशन मोशन होंगे, तो क्या होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकती है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकती है, और जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकती है। क्योंकि ये बॉडी कैसी है, हवा में है, स्पेस में है, तो तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, ट्रांसलेट हो सकती है। और फिर एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, वाई डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है, और जेड डायरेक्शन में भी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। मतलब इसके ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए, 1, 2 और 3। ऐसे रोटेशनल कितने हो गए, 1, 2 और 3। मतलब टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे। तो कोई पूछता है या कभी क्वेश्चन आता है कि 2D बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, और 3D बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि कोई मैकेनिज्म है हमारे पास, और यदि स्पेस की बात करें तो हमारे स्पेस की बात होती नहीं। जब हम रियल में कोई ऑब्जेक्ट रहते हैं, जब उसकी असेंबली होती है, तो लिंक एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे एक मैकेनिज्म होता है, आप जानते हैं मैकेनिज्म के बारे में, ऐसा क्या है, नंबर ऑफ लिंक कितनी, अगर 4 है और एक उसमें मोशन कर रही है, कोई लिंक एक फिक्स है, ऐसी एक लिंक फिक्स कर दो तो ये क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है।
तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है, तो ये किस किस से बना हुआ? नंबर ऑफ लिंक के जॉइंट से बना हुआ। तो क्या होता है इनमें, क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता, मतलब क्या होती है बाधा उत्पन्न होती है एक दूसरे में घूमने में। तो जो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितने निकले स्पेस में, जो हमारी 3D बॉडी के 6 निकले, तो इसके आधार पर जो कॉन्स्टेंट होती है जो लिंक बाधा उत्पन्न करती घूमने में उनको हम माइनस कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैकेनिज्म होती है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है 6 माइनस जो लिखा जाता है वह लिखा था कॉन्स्टेंट। मैं लिख देता हूं, तो यहां पर पहले इक्वल लगाएंगे, फिर होता नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इस तरह के फॉर्मूले से फिर हम उसकी रियल में निकालते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, क्योंकि जो लिंक बाधा उत्पन्न करते हैं जो सही से क्या करते मोशन नहीं करते उनको क्या करते हम माइनस कर देते। ये सब कुछ मैंने लिख रखा वैसे जो PDF इसके साथ अटैच है, यदि आप EV क्लास एप्लीकेशन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो PDF अटैच रहती है, उस PDF में कंप्लीट थ्योरी दी रहती है। कम से कम उतना तो आप लिख कर आएंगे जो भी एग्जाम में आप परफॉर्म करेंगे, उसमें जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको मैंने उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है, जिससे आप एक दो बार पढ़ के उसको और अच्छे से समझ सकें। और जिनके पास PDF नहीं है, इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, यदि आप YouTube चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, या फिर हमारा जो नंबर रहता है उस पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे इस PDF कहाँ मिलेगी और किस कोर्स के लिए कौन से सेक्शन में मिलेगी, तो यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसका जो रूल होता है एक आपने सुना होगा ग्लूवर्स जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्लूवर्स का रूल्स होता है, तो इसको मैं समझाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर आपको अचानक से याद आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मल कोई बॉडी है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते, तो मैकेनिज्म है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं किसी मैकेनिज्म में, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है 3 ब्रैकेट के अंदर L-1 और -2J-H, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। इसका जो रूल होता है, जो इस रूल को बनाए हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी आप याद करने के लिए समझ सकते हैं। L क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक क्या होती है, नंबर ऑफ लिंक जो ये लिख के रहती है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 ये 4 लिंक हो जाएंगे। ऐसे क्या होता है यहाँ पर, J क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट, जैसे 1-2 मिलके एक ज्वाइंट बना रहा है, 1-2 मिलके इस ज्वाइंट को बना रहा है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, हम ज्वाइंट बोलते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट। H क्या होता है, नंबर ऑफ हायर पेयर क्या होते हैं, नंबर ऑफ हायर पेयर, तो ये होता है हायर पेयर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा सकते हैं। उम्मीद है इसकी डेफिनेशन भी समझ में आई होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।